डियर सीआईएससी स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब में कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे 2022 सेमेस्टर टू आईएससी क्लास 12th और आईसीएससी क्लास 10th के एग्जामिनेशन के लिए पासिंग मार्क्स क्या होने वाले हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बातों को जानना बहुत जरूरी है कि सर जो हमारे सेमेस्टर टू का एग्जामिनेशन 25 अप्रैल से चालू होने वाले हैं, अब तो आईएससी क्लास 12th का 26 अप्रैल से चालू हो गया था क्योंकि जेई मेन्स का आपका डेट क्लास हो रहा है, ठीक, तो वो तो दूसरी बात है। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए पासिंग मार्क्स क्या होने वाले हैं, किस किस क्राइटेरिया में, कौन से सब्जेक्ट में कितने पासिंग मार्क्स आपके रहेंगे और दोस्तों किन सिचुएशन में आपको उन मार्क्स को अब पास आउट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर उस पासिंग क्राइटेरिया को आप नहीं पार कर पाएंगे तो आप दोस्तों सेमेस्टर टू एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे और नंबर बहुत ही खराब आएगा। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है सीआईएससी अपने सेमेस्टर वन के एग्जामिनेशन और सेमेस्टर टू के एग्जामिनेशन को ज्वाइंट करके एक कंबाइंड मार्कशीट बनाएगा, तभी उसके बेसिस पे आपको नंबर प्रोवाइड करेगा। तो आप सभी के लिए आईएससी क्लास 12th और आईसीएससी क्लास 10 के स्टूडेंट्स को पासिंग मार्क्स जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप वीडियो को लास्ट एंड तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। यहाँ पे जितने भी सीआईएससी के स्टूडेंट हैं, आपको मालूम होगा कि सीआईएससी यानी कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने डिटरमाइंस कर दिया था कि आईसीएससी और आईएससी के जो पासिंग रूल है दोस्तों फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 एग्जामिनेशन के लिए, इनको मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड करना होगा पास करने के लिए, और इसको पासिंग मार्क्स भी कह सकते हैं कि सीआईएससी ने ये चीजों को अनाउंस कर दिया था कि आपके सेमेस्टर टू के एग्जामिनेशन जो 2022 में होने वाले हैं उनको पास करने के लिए पासिंग क्राइटेरिया बना दिया गया था। बट 2021 एंड 22 इस सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन, तो हेंस यानी कि आपको पूरी बातें यहाँ पे हम बताएंगे कैलकुलेट करके कि आपके जो सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन इस बार करवाए जा रहे हैं दोस्तों उसमें क्या क्राइटेरिया है कि वो कैलकुलेट करके आपके पासिंग मार्क्स को दिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि फ्रॉम द ईयर ऑफ 2018 यानी कि 2018 से द बोर्ड हैज डिक्रीज द पासिंग मार्क्स। अर्लियर इट वॉज 35%, बट नाउ अकॉर्डिंग टू प्रेस रिलीज पासिंग मार्क्स इन आईसीएससी क्लास 10th 2022 आर 30% ओनली, यानी कि सिर्फ 33% दोस्तों बचा हुआ है पासिंग मार्क्स आपके आईसीएससी क्लास 10th में। व्हाइल पासिंग मार्क्स इन आईएससी क्लास 12th फॉर 2022 आर 35% ओनली, और यहां पे आपके आईएससी क्लास 12th का जो पासिंग मार्क्स दोस्तों वो सिर्फ 35% बचा हुआ है। सो स्टूडेंट्स securing at least 33% in ICSC and 35% in ISC of total marks are declared on the pass in CISC examination 2022। यहाँ पे दोस्तों जो CISC है वो 33% आपके ICSC class 10 passing marks का एक criteria बनाया था और 35% आपके ISC class 12th में बनाया था। तो आइए बात करते हैं कि आपके ICSC class 10 का passing criteria 2022 में क्या होने वाला है। दोस्तों द पास सर्टिफिकेट ऑफ द आईसीएससी बोर्ड विल बी अवार्डेड टू द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर 6 सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशंस एंड हैव अचीव्ड द पासिंग मार्क्स इन आईसीएससी क्लास 10th 2022 इन एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट, यानी कि आपने दोस्तों एक पासिंग मार्क्स में कम से कम 5 सब्जेक्ट्स में आपने दोस्तों एक ऐसा नंबर अचीव कर लिया हो, या तो आप 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में अगर आप अपीयर हुए हैं तो दोस्तों इन आईसीएससी रिजल्ट 2022 सो बेस्ट 5 ऑफ 6 सब्जेक्ट अप्लाई इन आईसीएससी बोर्ड बट दीज 5 सब्जेक्ट मस्ट बी इंक्लूड इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी कि आपका यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर इंक्लूड होना चाहिए था आपके 2022 के सेमेस्टर टू एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि जिन बच्चों ने 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए हैं वो दोस्तों पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं। अब आइए बात करें आपके सेमेस्टर टू एग्जामिनेशन में आईएससी क्लास 12th के पासिंग क्राइटेरिया में, तो दोस्तों द पास सर्टिफिकेट ऑफ द आईएससी बोर्ड विल बी अवार्डेड टू द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर 5 सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशंस एंड हैव अचीव्ड द पासिंग मार्क्स इन आईएससी क्लास 12th 2022 इन एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स इन आईएससी रिजल्ट 2022 सो बेस्ट 4 ऑफ 5 सब्जेक्ट्स अप्लाई इन आईएससी बोर्ड बट दीज 4 सब्जेक्ट्स मस्ट इंक्लूड इंग्लिश सब्जेक्ट,
यानी कि यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट दोस्तों जैसा कि आपको दिख ही रहा है, बार बार इंग्लिश सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जा रहा है। आपके किसी भी 5 सब्जेक्ट्स में से इंग्लिश सब्जेक्ट को जरूर ही इंक्लूड किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू गेट अ पास सर्टिफिकेट एंड हैव गॉट PCNA यानी कि पास सर्टिफिकेट नॉट अवार्डेड इन द करंट ICSE एंड ISC एग्जाम ईयर आर एलिजिबल फॉर द कंपार्टमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। हाउएवर ही सी मस्ट बी पास्ड इन इंग्लिश एंड 3 मोर सब्जेक्ट्स टू बी एलिजिबल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे आपके आपके CISE में आपके मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले टू कंप्यूट एनी एवरेज कन्वर्ट ऑल मार्क्स टू परसेंटेज स्कोर, यानी कि आपके सभी मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा तभी अच्छे से कैलकुलेट हो पाएगा। सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड टू अपीयर इन इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन ऑफ मार्क्स बट हैव नॉट बीन एबल टू अपीयर फॉर एनी पेपर, यानी कि अगर जो भी बच्चे आपके रजिस्टर दोस्तों किए हैं और अपीयर नहीं हो पाए हैं इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए, देयर पेपर बोर्ड परसेंटेज मार्क्स शुड बी ऑब्टेंड बाय रिप्लेसिंग इन अ फार्मूला गिवन इन वन बाय देयर प्रीवियसली ऑब्टेंड परसेंटेज मार्क्स इन अ लास्ट बोर्ड पेपर ऑफ सब्जेक्ट टेकन बाय देम। यानी कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर भी दिख रहा होगा पेपर में आपने इतने परसेंट मार्क्स चेंज किए और आपका इंटरनल 80% था। यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरी जानकारी समझ सकते हैं दोस्तों, इसीलिए कहते हैं आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए हो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ICSEL.com में विजिट कर सकते हैं और आप हमको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखा करिए क्योंकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको हमारे ICSE हब के इसी यूट्यूब चैनल में आपको पूरी जानकारी दोस्तों हम दे देते हैं, यानी कि जो भी पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है दोस्तों आपको लगभग आपके सेमेस्टर वन में आपके दोस्तों यानी कि अगर आपने 6 सब्जेक्ट में से 5th सब्जेक्ट में अपियर हुए हैं और 33% अगर आप ICSE क्लास 10th के हैं और मिनिमम आपने 33% मार्क्स गेन किया है तो आप दोस्तों एलिजिबल हैं हर एक एग्जामिनेशन के लिए और आप उस क्राइटेरिया को पास कर जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ICSE क्लस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे वही पासिंग क्राइटेरिया को 35% रखा गया है और अगर आपने 35% इस क्राइटेरिया को पार कर लिया है तो दोस्तों आप एलिजिबल हो जाएंगे सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशंस के लिए और आपका दोस्तों जो भी सेमेस्टर वाइज कंबाइंड रिजल्ट बनेगा वो पूरी तरह से दोस्तों डिक्लेयर होने के बाद ही आपके इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस कराए जाएंगे। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने पूरी जानकारी दे दी होगी कि आपका पासिंग मार्क 2022 के लिए क्या है। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।